अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो लाइक और शेयर करना और हाँ कमेंट कर जरूर बताना और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड ज़ाउनियान को देखते हैं जो भाग रही थी, मैं मर नहीं सकती वरना ग्रैंडपा का बनाया हुआ वेंशी ग्रुप इलेजिटिमेट बेटी तैन को मिल जाएगा, मुझे जीना होगा। तभी वो कारों से ठोक देती है जिसमें से तैन निकलती है और ग्रैंडपा की विल लेके उसने फाड़ दी थी। ज़ाउनियान की डेथ हो गई थी बट फिर अचानक उसकी आईज खुलती है। उसकी बेस्टी स्टेप मॉम को बोल रही थी कि तुम लोगों ने ज़ाउनियान को बुली करके उसकी ये हालत कर दी। स्टेप मॉम कहती है हम तो इसका भला ही सोच रहे हैं, अभी तो वैंग फैमिली के लंगड़े से शादी करा रहे हैं वरना तो ये उसके भी लायक नहीं है। उसे देखती है ज़ाउनियान को होश आ गया पर ज़ाउनियान हैरान, मैं तो मर गई थी ना तो यहाँ कैसे, और डेट देखती है तो समझ आती है कि वो पास्ट में रिबॉर्न हुई है। स्टिक उसकी फिक्र हो रही थी तो उसे हक कर लेती है यहाँ किसकी शादी हो रही है। अभी तैन आती है, तुझे क्या लगा याददाश्त भूलने का नाटक करके तू शादी से बच जाएगी, तुझे उस लंगड़े से तो शादी करनी पड़ेगी। ज़ाउनियान सोचती है इन लोगों ने पास्ट में मुझे मार दिया था बट इस लाइफ में मैं अपना पूरा बदला लूंगी। बेस्टी कहती है जल्दी से कपड़े एक्सचेंज कर ले, मैं ब्राइड बनकर यहाँ बैठ जाऊंगी और तू भाग जाना। कुछ गर्ल्स बातें कर रही थी, बेचारी ज़ाउनियान उसकी एक मरने वाले लंगड़े से शादी होने वाली है। स्टेप मॉम कहती है ये वैन और वैंग फैमिली की बिजनेस मैरिज है, ज़ाउनियान को इस शादी से कोई नहीं बचा सकता। तभी वहाँ वैंग फैमिली का यंग मास्टर मिस्टर वैंग याओ आता है। ज़ाउनियान सोचती है मैं क्यों शादी से भागूं, यहाँ पर किसी को भी नहीं पता कि वैंग याओ को कोई बीमारी नहीं है, वो फ्यूचर में बहुत अच्छा हस्बैंड बनेगा। तो कहती है मुझे शादी मंजूर है। जब वो काम कर रहा था वो उसे छुप के देख रही थी और सोचने लग जाती है कि मैं इसे पहन के जाऊं या ना। बैठी उसे देख रही थी तो कहता है इतनी सारी जगह पड़ी है मेरे पास क्यों बैठी हो, इतना मेरे बारे में कुछ भी उल्टा सीधा मत सोचो। ज़ाउनियान कहती है पर हमारी तो शादी हो चुकी है ना, भले हमारी शादी अभी हुई है पर हम पहले भी मिल चुके हैं। उसके क्लोजर की किस करने लगी थी पर तभी असिस्टेंट आ गया था तो मिस्टर वैंग जल्दी से दूर होके उसके कपड़े ढकने लग गया था। असिस्टेंट कहता है बॉस 10 मिनट में मीटिंग स्टार्ट होने वाली है बट वैंग याओ उसे डांट के भगा देता है। नेक्स्ट डे ज़ाउनियान ऑक्शन में आती है, एक लड़की कहती है तू यहाँ क्या करने आई है, तो कहती है शॉपिंग, अब तो मैं रिच वाइफ हूँ ना। वहाँ एक 10 मिलियन की पेंटिंग की बोली लग रही थी। तैन कहती है तेरे पॉकेट में तो 100 रुपीज होंगे, तेरे बजट में यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। ज़ाउनियान कहती है 10 मिलियन। तैन कहती है तुझे पता नहीं है ये एक फेक पेंटिंग है क्योंकि रियल वाली मैंने एक म्यूजियम में देखी थी। ज़ाउनियान कहती है क्यों ना शर्त लगाए, अगर ये फेक निकली तो मैं तुझसे माफी मांगूंगी बट अगर ये रियल निकली तो तुझे झुककर मुझसे माफी मांगनी होगी। तैन कहती है ओके हारने पे रोना मत, ऑक्शन सस्पेंडेड, मुझे शक है कि ये पेंटिंग फेक है। तभी होस्ट उसे सर्टिफिकेट दिखाता है कि ये मिस्टर डुआन की बनाई हुई है। ज़ाउनियान कहती है हाँ मिस्टर डुआन काफी फेमस पेंटर है, उनका पेंटिंग स्टाइल एकदम डिफरेंट है। ज़ाउनियान जीत गई थी तो कहती है अब झुक जा मेरे आगे। तैन छिड़के चली जाती है। असिस्टेंट कहता है बॉस मिसेस वैंग ने 10 मिलियन की पेंटिंग खरीदी है। मम कहती है शादी के बाद तो खाली हाथ आ गई, नंबर वन की शेमलेस है। ज़ाउनियान कहती है नहीं नहीं सेकंड नंबर की, क्योंकि फर्स्ट नंबर की शेमलेस तो तुम हो ना। तैन कहती है सिस्टर तूने खुद के लिए 10 मिलियन की पेंटिंग खरीदी है और वैंग फैमिली के लिए कुछ भी नहीं लेके आई। ज़ाउनियान उसका हाथ दूर कर देती है, डर्टी। तैन गुस्से में तो उसका हाथ मोड़ने लगी थी, स्टेपमॉम छुड़ा के उसे धक्का मार देती है। फिर वहाँ पर मिस्टर वैंग याओ आ जाता है। ज़ाउनियान क्या इन लोगों ने तुम्हें बुली किया। डैड कहते हैं नहीं तो हम तो मजाक कर रहे थे। तो वो गुस्से से कहता है दोबारा ऐसा घटिया मजाक मत करना। जब वो जा रही थी तो मेट्स को देख कहती है ये कौन भला इंसान है जो वैंग फैमिली को गिफ्ट भिजवा रहा है। वैंग याओ कहता है ये मैं लेके आया हूँ बट वो गुस्सा होकर चली जाती है। वो ड्रिंक करते हुए उसे पूछता है कि तुझे लगा था तुम्हारे घर पे गिफ्ट भिजवा के तुम खुश होगी। ज़ाउनियान कहती है मैं खुश हूँ कि तुम मुझे गिफ्ट देना चाहते थे पर मैं बुरे लोगों को गिफ्ट नहीं देती, मैं इतना तो समझ गई जो जैसा होता है उसके लिए बदलना पड़ता है वरना ज्यादा अच्छे लोग हमेशा बुली होते हैं। वो ड्रिंक करता हुआ सोचता है ये लड़की काफी ट्रस्टिंग है। फिर तैन बोर्ड मेंबर्स को बता रही थी कि मैंने कंपनी में इम्प्रूवमेंट्स के लिए प्लान बनाया है पर उसे एग्जीक्यूट करने के लिए मनी और पावर की जरूरत है तो मैं चाहती हूँ आप सब लोग नेक्स्ट सीईओ की पोजीशन के लिए मुझे वोट करो। एक बोर्ड मेंबर कहता है मैंने तो सुना है कि वैन फैमिली की बेटी है ही नहीं, कब आप मिस्टर वैन ने कोई और था तो वैंशी ग्रुप के वारिस तो ज़ाउनियान होगी ना, हम लोग इसे वोट क्यों दें। दूसरा कहता है पर मिस्टर वैन तो इसे अपनी बेटी मानता है, शेयर्स भी इसे ही मिलेंगे। वैन कहती तुम लोगों को क्या लगता है मैं सीईओ बनने के लिए क्वालिफाई नहीं हूँ। ज़ाउनियान आती है हाँ तेरे पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है क्योंकि वैंशी ग्रुप के सारे शेयर्स ग्रैंडपा के पास थे और उन्होंने अपने विल में मुझे दे दिए, तू वैंशी ग्रुप को हत्याने की सोचना भी मत। टैन कहती है तेरे पास विल नहीं है तो निकल यहाँ से, बट ज़ाउनियान उसके मुंह पे पानी फेंक के मारती है मैं वैंशी ग्रुप की इकलौती वारिस हूँ। तो टैन चिड़ी हुई थी और एक गाओ नाम के बंदे के पास जाती है
जावनियन जा रही थी तो उसे लगता है कोई उसका पीछा कर रहा है, वो भाग के छुप जाती है। उसे पिकअप करने के लिए असिस्टेंट को कॉल आता है तो उसे बताती है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, मैं लोकेशन सेंड कर रही हूँ। असिस्टेंट वेंगयाओ को बताता है तो वो अपने बॉडीगार्ड भेजने को बोलता है। इधर गुंडा चाकू से जावनियन पे अटैक करने लगा था तो वो भागती है, दूसरी तरफ से गुंडा घेरता तो उसे गुस्सा मार देती है। इतने अपने में बॉडीगार्ड आकर गुंडो को पकड़ लेते हैं और मिस्टर वैंग को देख कहती है, अगर तुम नहीं आते तो मैं मर चुकी होती। वो उसकी चोट देख सोचता है, इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। आनंद कहती है, मैं ठीक हूँ, और उसे काम डाउन करती है। गांव को गुंडो कॉल आता है तो वो गुस्से में था कि तुमसे एक लड़की नहीं संभली, और तैन भी उस पर चिल्ला पड़ती है। जावनियन की कार किसी की कार से टकरा जाती है जो गांव की थी, बट जावनियन को पहले से पता था कि गांव तैन के साथ मिला हुआ है। कहती है, गलती से ठोक दिया, अपना बिजनेस कार्ड दे दो, रिपे कर दूंगी। सोचती है, गॉन ग्रुप एक नंबर का स्कैमर है। तो कहती है, मेरे वैंशी ग्रुप का कार्ड, हम कोऑपरेट कर सकते हैं। गांव खुश होता है कि वो उसका पागल बना रहा है और तैन को कॉल करके बताता है। जावनियन देखती है तैन ने उसे बहुत बेकार सा ऑफिस दिया है, तुम जल्दी से मेरे ऑफिस को रेनोवेट करा दो। वो कहता मैं, तो कहती हाँ, तुम तो वेंगयाओ के राइट हैंड हो ना, मैं तुम्हारी तुम्हारे बॉस के सामने बहुत तारीफ करूंगी। असिस्टेंट हाँ करता है तो कहती है, ओके एक घंटा देती हूँ। फिर बेचारा असिस्टेंट थक गया था, वो काम कर रही थी तो तैन आती है। तू सेल्स डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय है तो कम से कम 500 मिलियन का प्रॉफिट देना होगा, वरना तुझे फायर कर दूंगी। जावनियन कहती है, ओके मुझे कोई वैश्विक ग्रुप से बाहर नहीं निकाल सकता, ऐसा कुछ नहीं जो मैं नहीं कर सकती। और फिर स्टेप मॉम और डैड को आके बताती है कि तुम लोग इस घर से बाहर निकल जाओ, क्योंकि वैन फैमिली की प्रॉपर्टी तुम्हारी नहीं है, ग्रैंडपा ने विल मेरे नाम की है, अगर तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो ग्रैंडपा से जाकर पूछो। डैड कहते हैं, तू अपनी मॉम को मरने को बोल रही है? तो कहती है, मॉम मेरी मॉम इस वक्त हॉस्पिटल में है, ये मेरी मॉम नहीं है। मॉम कहती है, तू वैंग फैमिली में शादी करके बहुत उड़ रही है ना। जावनियन कहती है, नहीं मैं तो ये बिना शादी के भी कर सकती थी, दूसरे के हस्बैंड को छीनना तुम्हारा काम है मिस्ट्रेस। जाने लगी थी तभी तैना चाहती है कि हम तो इस घर से नहीं निकलेंगे, तुझे निकलना तू निकल। जावनियन कहती है, किसी और के घर में रहना इलीगल है क्योंकि मैंने ये घर बेच दिया है। तैन हैरान कि ये बेवकूफ इतनी स्मार्ट कैसे हो गई। नेक्स्ट डे जावनियन आकर कहती है, मैंने 500 मिलियन की सेल्स कर ली है, घूर के रही है, उठ यहाँ से। और खुद सीईओ की सीट पे बैठ गई थी, बोर्ड मेंबर्स भी उससे खुश होते हैं। फिर वो गांव से मिलने चाहती है कि पहले मुझे सबूत इकट्ठा करना होगा कि तैन और गांव ने मुझे हार्म करने की कोशिश की। पहले वो उसे वाइन का ग्लास देता है और रिफिल करने लगा था तो वो हाथ रख देती है। फिर वो उसे प्रोजेक्ट देने को कहता है। जावनियन सोचती है, मैं पहले वाली गलती नहीं करूंगी। गांव उसके करीब होने लगा था, बॉटल उठा के उसके सिर पे मार देती है, उसकी गर्दन पकड़ लेता है तो कहती है, अगर मैं मर गई तो कोई तुम्हारे कांड को पब्लिक में एक्सपोज कर देगा, और उसके मार के भाग जाती है। गुंडे लेके उसके पीछे पड़ गया था बट वो एक कार में जाके बैठ जाती है, उसमें ऑलरेडी एक लड़का बैठा था, वो खांसता है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ाऊंगा, तुम सच में यहाँ रहती हो? अनन कहती है, हाँ क्यों? और फिर पता चलता है कि ये लड़का वेंगयाओ का कजन है। वेंगयाओ को देख कहती है, क्या हुआ तुम्हें? कहता है, क्यों तुम्हें नहीं पता चला? हंसते हुए हक कर लेती है तो कहता है, मेरे पास भी कार है, उसकी कार में क्यों बैठी? तो वो हंसने लगी थी। फिर कहती है, ड्रिंक क्यों कर रहे हो, अभी तक गुस्सा हो? खुद भी ड्रिंक करने लगती है। वो कहता ओके और उसे और ड्रिंक देता है। सोचता है इसे टेस्ट करता हूँ। वो सोचती है, ये मुझे टेस्ट कर रहा है, मैं भी देखे उसके दिमाग में चल क्या रहा है। वेंगयाओ कहता है, जो हम पिछली बार नहीं कर पाए थे इस बार करें। सोचता है, जरूर इसकी मुझसे शादी करने की कोई और वजह होगी। बट वो उसे पकड़ के किस करने लग जाती है। वो दूर हो जाता है कि मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठाना चाहता। एक अंकल जावनियन को झाओ से मिलवाते हैं कि ये काफी अच्छा बिजनेसमैन है, तुम इसके साथ कोऑपरेशन कर सकती हो। जावनियन सोचती है, इससे तो मैं पास लाइफ में नहीं मिली थी। हेलो करती है, पर अंकल तैन को बता रहे थे कि ये झाओ कोई बिजनेसमैन नहीं है, ये अभी अभी जेल से रिहा हुआ है। तैन कहती है, लगता मेरा काम यही करेगा। जावनियन झाओ को वैंशी ग्रुप की लोकेशन दिखा रही थी बट झाओ उस पे गंदी नजर डाल रहा था। असिस्टेंट और वेंगयाओ उसे दूर से बैठे देख रहे थे। वो सोचता है, पता नहीं कौन कौन नमूने हैं ये, सबके सब जावनियन के पीछे पड़े हैं। जावनियन कॉल पे बात कर रही थी तो वो उसकी हॉट टी में कुछ मिला देता है। वो देख लेती तो कहता है, बहुत गर्म थी ना इसलिए ठंडा होने के लिए खोली। खुद उठा के पीने लग जाता है। जावनियन हंसती हुई कहती है, अच्छा तो तुमने हमारी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचा? बट झाओ की हालत खराब होने लगी थी और वॉशरूम भागता है। जावनियन हंस रही थी, तुम ठीक तो हो ना? कहता है, हाँ। साथ में रेस्टोरेंट में खाने चले और फिर ड्रिंक करते हुए बेहोश हो जाती है। वो उसे होटल रूम में ले आया था और वो उसके साथ फोटोज खींचने लग जाता है। वो कहती है, क्या कर रहे हो ये? इधर वेंगयाओ को पता चलता है कि वो झाओ नाम का लड़का जावनियन को एक होटल रूम में ले गया, गाड़ी भगा लेता है। जावनियन होश में नहीं थी। वो कहता है, मैं तेरी फोटो वायरल कर दूंगा वरना मुझे 5 मिलियन ट्रांसफर कर दे। कहती है, मैं तुझे 1 रुपया भी नहीं दूंगी। तो कहता है, फिर तू नहीं बचेगी और उससे जबरदस्ती करने लगा था। कहती छोड़ मुझे, तो उसका थप्पड़ मार देता है और वो बेहोश हो जाती है। और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा था तभी वहाँ पर वेंगयाओ आ जाता है और उसे खूब मारता है। जावनियन को गोद में उठाकर ले गया था। जावनियन की आईज खुलती है तो वो हॉस्पिटल में होती है। वो पूछने लग जाती है, मुझे कौन छोड़ के गया है?
नर्स कहती है मुझे भी नहीं पता, वो तो चला गया। जावनिया सोचने लग जाती है किसने मुझे बचाया, मुझे याद क्यों नहीं है। ब्लैक कपड़ों वाला था पर जाना पहचाना लग रहा था। फिर बैंक जाकर जो बैठा था तो वो उसे दूर से देख रही थी, बिल्कुल इतना ही होगा वो भी। और उसे जाकर हक कर लेती है, उसकी खुशबू भी सेम ही थी। वो नर्वस होता है, दूर हो जाता है। तुम मेरे इतने क्लोज क्यों थे, पप्पी थोड़ी ना हो। जावनिया सोच रही थी जिस लड़के ने मुझे रात बचाया था क्या वो वेंग्याओ है। जब वो जा रहा था तो वो उसे चुपके देख रही थी, हाँ गया ये नजर नहीं आ रहा। पर वेंग्याओ उसके पीछे, तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो, ऐसे ही तुम्हें। वो कहती तुमने मुझे बचाया तो बताया क्यों नहीं, तुम उस दिन होटल में क्यों आए थे, जो क्यों बचाया। कहता है आखिर तुम मेरी वाइफ हो, अगर तुम्हारी जगह असिस्टेंट भी होता मैं उसे भी बचाता, पर तुम्हें उस क्रीपी के साथ होटल में जाने की क्या जरूरत थी। वो कहती है मैं तो बस कोऑपरेशन की बात करने गई थी। कहता है कोऑपरेशन की बात थी तो मेरे पास आ जाती। जावनन कहती है पर मुझे डर था कि लोग तुम्हारे बारे में सोचेंगे कि तुम पब्लिक और प्राइवेट मैटर्स को अलग नहीं रखते। उसकी क्लोज थी तो मुंह फेर लेता है और सोचता है इसे मेरी इतनी परवाह है। उसे लेके जा रही थी, असिस्टेंट कहता है बॉस क्या सच में आप न्यूज में बताना चाहते हो कि आप ठीक हो गए। वेंग्याओ कहता है क्योंकि मैं पहले डिसेबल और बीमार होने का नाटक कर रहा था, पर अब एक महीने में ग्रैंडपा कंपनी के वारिस को चूज करने वाले हैं, इसलिए मुझे सबको दिखाना होगा कि मैं ठीक हो गया। नन कहती है मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगी। मॉम न्यूज देखती है कि मिस्टर वेंग्याओ एकदम ठीक हो गया है, ना ही वो बीमार रहा ना ही लंगड़ा, और शायद बैंक ग्रुप का सीईओ वही बने। नन कहती है वो तो मेरा है ना, मैं उसे वापस छीन लूंगी। फिर जावनन किसी से मिलने चाहती है, वो बताता है कि हाँ तुम्हारे ग्रैंडपा की विल तो थी, वो उन्होंने एक लॉयर को दी है, पर किसी वजह से वो लॉयर बाहर नहीं ला रहा विल को। जावनन कहती है मुझे इस लॉयर को ढूंढना होगा। वेंग्याओ दूर से देख रहा था क्योंकि उसे डर था कि जावनन इस बार फिर से किसी बुरे इंसान से न मिले। तो असिस्टेंट उसे बताता है कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से एक है जो जावनन की साइड लेता है, पर सुना है उसे ब्यूटीज बहुत पसंद है, तो वेंग्याओ जेलस होकर उसे भगा देता है। जावनन को देख कजन कहता है मुझे तो लगा था वेंग्याओ तुम्हें मुझसे मिलने नहीं देगा। वो कहती है आखिर तुमने मेरी जान बचाई थी तो मैं ट्रीट तो दे ही सकती हूँ ना। कजन कहता है क्या सच में यही बात है। तो कहती है तुम भी वेंग्याओ की तरह काफी स्मार्ट हो, मैं चाहती हूँ कि तुम इस लॉयर को ढूंढने में मेरी हेल्प करो। कजन कहता है ओके। वो जाने लगी थी तो कहता है ये केक तो खाते जाओ। खाने लगी थी तो कजन वेंग्याओ को कॉल करता है कि तेरी गर्लफ्रेंड मेरे साथ खाना खा रही है, जबकि वेंग्याओ जेलस हो रहा था पड़ रहा था। तो कहती है तुमने मुझसे पूछा क्यों नहीं कि मैं किससे मिलने गई थी, लॉयर को ढूंढ रही हूँ जिसके पास मेरे ग्रैंडपा की विल है। वेंग्याओ कहता है तो तुम इसलिए कजन के पास गई थी। वो कहती है हाँ। वो कहता है फिर तुम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और उस कजन से मिलने क्यों गई थी। तो कहती है मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, चाहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो या कजन हो, मैं किसी को भाव नहीं देती। वेंग्याओ कहता है तुम मुझे क्यों बता रही हो, मैं कौन सा जेलस हो रहा हूँ। कहती है ओके ओके तुम जेलस नहीं हो रहे थे। फिर नेक्स्ट डे वो लॉयर के पास आती है और बताती है कि मैं वेन फैमिली की ग्रैंड डॉटर हूँ, कि मेरे ग्रैंडपा ने मरने से पहले आपको कुछ दिया था। बट लॉयर भाग जाता है। जावनन के सर में कुछ होने लगा था, इनफैक्ट पास्ट लाइफ में तैन ने जावनन और लॉयर को पकड़ लिया था और लॉयर के बेटे को मारती है कि मुझे विल दे वरना इसे मार दूंगी। आंखों मारने लगी थी तो लॉयर आ गया चाहता है। जावनन चिल्ला रही थी कि छोड़ दे इन लोगों को, और ये सब याद आते ही वो कजन को फोन करती है तुम्हारे पास कितने बॉडीगार्ड है, मुझे हेल्प चाहिए। कजन अपने बॉडीगार्ड लेके आ गया था और वो उन्हें लेके गुंडों के अड्डे पे पहुंचाते हैं। गुंडों को पकड़ने लगे थे पर एक गुंडा उस पे गन चला देता है। दूसरी तरफ हम वेंग्याओ को देखते हैं जिसे रात में सपना आ रहा था जब वो बच्चा था। कुछ गुंडे उसके पीछे पड़े थे बट एक दूसरी बच्ची ने उसे बचा लिया था। वो उठ जाता है तो पेंडेंट को देखने लगता है। सन कहता है मैंने कहा था ना काफी डेंजरस होगा, तब भी तुम साथ में आ गई। वो कहती है हाँ काफी था, पर शुक्र है मैंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी। और वो लॉयर के बच्चे को बचा लेते हैं और उनका थैंक यू करता है और उन्हें विल दे देता है। तुम्हारे ग्रैंडपा ने बिल्कुल सही इंसान को कंपनी दी है। कजन पूछता है अब क्या करोगी, तो कहती है वेट करना है क्योंकि अभी सही टाइम नहीं आया। कजन उसे छोड़ने आता है। जेलस वेंग्याओ कहता है तुम इतनी लेट कैसे हो गई। जावनन बाहर निकल के उसका हाथ पकड़ लेती है। कजन कहता है मैंने तो जावनन से बोला था कि तुम्हें बुला लेती, पर उसने बताया कि तुम इतने बिजी हो इसलिए उसने मुझे बुला लिया, फिर हमने काफी मजे किए साथ में तो लेट हो गए। वेंग्याओ ताली बजाने लगा था हाँ तुम लोगों ने बहुत मजे किए होंगे। जावनन बाय करती है, उसके साथ चली जाती है। फिर जावनन अपनी मॉम से मिलने हॉस्पिटल आती है और अपनी बेस्ट डॉक्टर को चेक देती है कि मुझे बस तुझ पे भरोसा है, अपनी मेडिसिन की रिसर्च जारी रख, एक दिन पक्का मेरी मॉम को ठीक कर देगी। तो बेस्टी हैरान इतने सारे पैसे और उसका थैंक यू करती है। जावनन उसे हक कर लेती है, इतना सब होने के बाद मुझे ये जरूर पता चल गया कि तू मेरी सबसे अच्छी बेस्ट फ्रेंड है। जब जावनन कजन की कार में बैठती है तो एक फोटोग्राफर उनकी फोटो खींच लेती है गलत एंगल से। जावनन ने उसे देख लिया था, उसके बॉडीगार्ड उसे पकड़ लेते हैं और वो कैमरा ले लेती है। तू तैन के लिए काम करती है ना, मैं तुझे उससे ज्यादा पैसे दूंगी, बस मेरा एक काम करना है। वो फोटोग्राफर बताती है कि तैन ने अपने सीक्रेट से ही छुपा रखे हैं। जावनन फाइल्स निकाल के देख लेती है, सबसे प्रूफ हो जाएगा कि तैन ने कंपनी में बहुत सारे घोटाले किए हैं। अब बोर्ड मेंबर्स को उसका असली चेहरा दिखाने का टाइम आ गया है। उसे कजन की कार से बाहर निकलता देख असिस्टेंट कहता है क्या बॉस आप नहीं चाहते मैडम आपकी कार में होती। घूरता है तो चुप। उन्होंने कहती है क्या हुआ तुम्हें, बीमार हो क्या। असिस्टेंट कहता है बॉस बीमार नहीं है, जेलस है।
घूरता तो फिर चुप। जानू ने सुना लेती है, चलो साथ में खाने चले। फिर नेक्स्ट डे वो सारी फाइल्स की कॉपी बोर्ड मेंबर्स को दिखाती है। एंड जब देखते हो तो एकदम हैरान, सब बोर्ड मेंबर्स तैन को बाहर निकालने को बोलने लगे थे। गाओ तैन को शांत करने की कोशिश करता है, पर तैन उसी का नाम लगा देती है कि ये सब काले कारनामे इसने किया है, मेरा कोई लेने देना नहीं है। वो गुस्से से उसकी गर्दन पकड़ लेता है कि तू मुझे फंसा रही है। बॉडीगार्ड दोनों को पकड़ के बाहर फेंकाते हैं और फिर ज़ाउनलैन सीईओ की पोजीशन पे बैठ गई थी। बट अब वेंशी ग्रुप को बचाने के लिए उसे 3 बिलियन की जरूरत थी, तो सोचती है मैं 3 बिलियन कहाँ से लाऊंगी। तभी उसे वेंग्याओ फ्लावर बुके सेंड करता है, तो वो सोचती है मैं वेंग्याओ से तो नहीं ले सकती, वरना उसे वेंग ग्रुप का वारिस चूज नहीं करेंगे। वेंग्याओ कहता है मेरी वाइफ पूरा दिन रात कंपनी में बिजी रहती है, घर पे आती नहीं है, तो मुझे खुद की कंपनी को इग्नोर करके तुम्हारे पास आना पड़ा। कहती है तुम चले जाओ, मैं 3 बिलियन खुद कमा लूंगी। वो कहता है तुम्हें ऐसे क्यों लगता था कि हम दोनों पहले भी मिल चुके हैं। तो कहती है हो सकता है हम अपनी पास्ट लाइफ में एक दूसरे को जानते हो। तभी उसे कजन का फोन आता है कि ऑक्शन होने वाला है, तुम आओगी? तो वो हाँ कर देती है। वेंग्याओ कहता है अगर मेरे पास पास्ट लाइफ होती तो मैं इस कजन को एकदम रिमूव कर देता ताकि मेरी वाइफ को कोई डिस्टर्ब करने वाला ही ना हो। वेंग्याओ असिस्टेंट से कहता है सारी भेज दो। असिस्टेंट कहता है किसने सोचा होगा वेंग ग्रुप का होने वाला सीईओ अपनी वाइफ के लिए अपनी सारी कार्स बेच रहा है। फिर ज़ाउनलैन वो पेंटिंग देख रही थी और उसे पास्ट का याद आता है। उसने एक न्यूज सुनी थी कि उस ऑक्शन में एक रफ स्टोन बाद में जेट का निकला जो 500 मिलियन का बिका। कहती है अगर उस ऑक्शन में जाके मैं उस स्टोन को खरीद लूं तो काफी पैसे कमा सकती हूं। ज़ाउनलैन को ऑक्शन में जाते हैं, अंकल फोन करके तैन को बता देता है कि वो ऑक्शन में पेंटिंग बेचने के लिए लेके आई है। तैन कहती है मैं भी देखती हूँ वो पेंटिंग बेच के 3 बिलियन कहाँ से ले आएगी। फिर ज़ाउनलैन बैठी सोच रही थी कि मैं इस पेंटिंग को बेच के वो स्टोन खरीद लूंगी। तभी वहाँ कजन आ जाता है कि मैं यहाँ तुम्हारी पेंटिंग अपने डैड के लिए बाय करने आया हूँ। वो कहती है मुझे पता तुम यहाँ मेरी हेल्प करने आए हो, प्लीज कुछ मत करना। कजन कहता नहीं सच्ची मुझे वो पेंटिंग अपने डैड को देनी है। तैन बड़बड़ा रही थी। ज़ाउनलैन कहती है तू यहाँ क्या कर रही है? वो कहती है ये तेरा वेंशी ग्रुप का ऑफिस नहीं है जो तू मुझे यहाँ से बाहर निकलवा देगी। ज़ाउनलैन कहती है तुझे क्या लगता है अपना सारा आरोप गाँव पे लगाकर तू बच जाएगी? तैन कहती है तू मेरी नहीं अपनी फिक्र कर, तू ये 3 बिलियन लाएगी कहाँ से? सबसे पहले ज़ाउनलैन की पेंटिंग की बोली स्टार्ट होती है 10 मिलियन से। तैन कहती है तेरी फेमस पेंटिंग में तो किसी को भी इंटरेस्ट नहीं है। कजन कहता है 12 मिलियन। बॉडीगार्ड कहता है 20 मिलियन। कजन कहता है 30 मिलियन। ज़ाउनलैन कहती है तुम ये क्या कर रहे हो? कहता है हम फ्रेंड्स हैं कि इतनी सी हेल्प नहीं कर सकते एक दूसरे की। बॉडीगार्ड कहता है 50 मिलियन। तो ज़ाउनलैन वेंग्याओ को मैसेज करती है मुझे पता है वो तुम्हारा बॉडीगार्ड है। कहता है मैं पकड़ा गया। सिस्टर कहता है क्या करना है? तो कहता है हम ज़ाउनलैन को और गुस्सा नहीं कर सकते, उस कजन को पेंटिंग लेने दो, बाद में उसे पैसे देकर ले लूंगा, मेरी वाइफ है सिर्फ मैं ही हेल्प कर सकता हूँ। कजन 60 मिलियन में वो पेंटिंग ले लेता है। टैन कहती है 60 मिलियन से क्या होगा, तुझे 3 बिलियन चाहिए ना। फिर नेक्स्ट ऑक्शन एक रफ स्टोन का था, ज़ाउनलैन बोली लगाने वाली थी। कजन उसे रोकने लग जाता है कि ये तो कोई मामूली स्टोन है, इसके लिए बोली क्यों लगा रही हो? वो कहती है भरोसा रखो। टैन कहती है तू ऑक्शन में कूड़ा खरीदने आई है। ज़ाउनलैन कहती है 10 मिलियन। टैन कहती है 13 मिलियन। तुझे बेकार पत्थर चाहिए तो क्या तेरे पास मेरे जितने पैसे हैं? ज़ाउनलैन कहती है 15 मिलियन। पर टैन कहती है मैं भी तेरे साथ गेम खेलूंगी 18 मिलियन। तू बोली क्यों लगा रही है, मुझे फंसा रही है क्या? ज़ाउनलैन कहती है 20 मिलियन। सिस्टर एकदम हैरान। वेंग्याओ कहता है वो ऐसा कर रही है जरूर कोई रीजन होगा, मुझे भरोसा है वो हैंडल कर लेगी। ज़ाउनलैन ने 20 मिलियन में वो रफ स्टोन जीत लिया था। तो टैन कहती है तूने एक बेकार पत्थर खरीदने में अपने 20 मिलियन बर्बाद कर दिए। ज़ाउनलैन कहती है हो सकता है ये कोई जेड स्टोन निकले। टैन कहती है सपने लेना छोड़ दे, अब तो वेंशी ग्रुप पक्का बर्बाद होगा। ज़ाउनलैन कहती है अब तुझे इतना भरोसा है क्यों ना मेरे साथ शर्त लगा, अगर मैंने स्टोन को महंगे में बेच दिया तुझे कंपनी को 100 मिलियन वापस करने होंगे, अगर ये बेकार पत्थर निकला तो मैं तेरे आगे झुक के माफी मांगूंगी। उसे रोकने लग जाता है तुम क्या बोल रही हो, वो उसे चुप करा देती है। वो डर गई। टैन कहती है जब तुझे एम्बैरस होने से डर नहीं लग रहा तो मैं क्यों पीछे हटूं? एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं, कहीं बाद में तू मुकर गई तो। ज़ाउनलैन कहती है एग्रीमेंट साइन हो गया तो स्टार्ट किया जाए। लोग बातें बनाने लगे थे कि ये तो कोई जेड स्टोन लगता है, जरूर 50 मिलियन का होगा। अभी वहाँ पर मास्टर आता है, ये तो बहुत यूनिक जेड स्टोन है। ज़ाउनलैन कहती है इसकी वर्थ कितने की होगी? तो कहता है कम से कम 500 मिलियन। टैन के तो होश उड़ गए थे। ज़ाउनलैन कहती है टैन तो फिर से हार गई, तूने वेंशी ग्रुप के जो पैसे चुराए हैं मैं एक एक करके तुझे सब वापस ले लूंगी। टैन पैसे देने से मना कर रही थी तो सब लोग बातें बनाने लगते हैं ये कितनी गिरी हुई है, सबके सामने मुकर गई। तो टैन गुस्से से उसे 100 मिलियन देके चली जाती है। मास्टर ज़ाउनलैन का स्टोन 500 मिलियन में खरीद लेता है। वो कहती है अब भी 2.5 बिलियन रह गए, मेरे पास सिर्फ 1 महीना बचा है, इतने पैसे कहाँ से कमाऊंगी। पर वेंग्याओ का मैसेज आता है कि वो उसका वेट कर रहा है पार्किंग लॉट में, तो स्माइल करती है। उसका हाथ पकड़ रही थी बट वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देता तो वो भी गुस्सा हो जाती है। आके उसे हक करता है, कहती है तुम तो मुझे इग्नोर कर रहे थे ना। वो उसे रिंग दिखाता है, ये तो मैंने तुमसे अपनी मर्जी से शादी नहीं की थी इसलिए अब मैंने तुम्हारे लिए खुद रिंग बाय की है। वो कहती है मैं ऐसे दूसरों की रिंग नहीं लेती।
वैंगियो अपने फोन में कुछ करने लगा था, तो कहती क्या कर रहे हो? तो वो बताता है कि मैंने उस कजन के पैसे से वापस कर दिए। मैंने चाहता मेरे अलावा तुम्हारी कोई और हेल्प करे। मैं अपनी वाइफ को खुद संभाल लूंगा, और उसे गोद में उठाकर ले जाता है। नेक्स्ट डे जावनियन काम करती करती सो गई थी और उसे कपड़ा ढकने लगा था, तो उठ जाती है और दोनों किस करते हैं। वैंगियो उसके लिए खाना लेके आता है, तो कहती है तुमने बनाया है मेरे लिए? असिस्टेंट कहता है मैडम मैंने बनाया है। वैंगियो उसे घूर के चुप करा देता है। एम्प्लॉय असिस्टेंट को बता रहा था कि एक सेविंग नाम की कंपनी खुली है, पता नहीं कौन लोग ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, इसमें तो कोई प्रॉफिट भी नहीं होगा। जावनियन सोचना चाहती है सेविंग नाम की कंपनी, पास्ट लाइफ में मैंने सुना था। उसे याद आता है कि उसने न्यूज में सुना था सेविंग नाम की छोटी सी कंपनी ने अपनी पहली सेल में ही 3 बिलियन का प्रॉफिट कर लिया था। तो कहती है मुझे सेविंग नाम की कंपनी के बॉस से कॉन्टेक्ट करना है। असिस्टेंट कहता है मैडम कहीं आप इन्वेस्टमेंट करने का तो ना सोच रही इसमें? बट वो कहती है मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूंगी, मुझे उसके बॉस की इन्फॉर्मेशन दो, और इस एम्प्लॉय को पकड़ के ले गई थी। असिस्टेंट जल्दी से वैंगियो को कॉल करने लग गया था। अगर मैडम ने सच में उस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया तो बॉस मुझे भगा देगा। ड्राइवर वैंगियो को बताता है कि ग्रैंडपा आपसे मिलना चाहते हैं और आपकी वाइफ से भी। वो सोचता है ग्रैंडपा जावनियन को बुरी न करे, मुझे उसे बचाना होगा। असिस्टेंट को कॉल आता है कि आपकी वाइफ प्रॉब्लम में है। सेविंग कंपनी की बॉस को देख असिस्टेंट कहता है ये कितनी इनफॉर्मल है। जावनियन को वो पसंद आती है, यंग और स्मार्ट है। लड़की कहती है सॉरी हमारी कंपनी तुम्हारी कंपनी के मुकाबले में काफी छोटी है। जावनियन असिस्टेंट से फाइल छीन कहती है मैं तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहती हूँ। अंकल तैन को बताता है कि जावनियन इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है, आगे तुम देख लेना। जावनियन को वैंगियो को कॉल आता है, वो पूछती है क्या तुम बिजी हो? तो कहता है हाँ काफी। पीछे मुड़ के देखो वैंगियो खड़ा था और दोनों हक्कर लेते हैं। चलो डिनर पे चले। वो कहती है मुझे कुछ स्पेशल खाना है, और उसे स्ट्रीट फूड खाने लाती है। वो कहता है इतना टेस्टी है तो उसे भी खिलाती है। फिर वैंगियो कहता है मैंने सुना तुम सेविंग नाम की कंपनी में इन्वेस्ट कर रही हो, पर उसमें तो ज्यादा एम्प्लॉय भी नहीं है और टेक्नोलॉजी भी नहीं है, कहीं तुम्हारे पैसे वेस्ट न चले जाएं। वो कहती है पर मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है सेविंग कंपनी बिलियनियर निकलेगी। वैंगियो के ग्रैंडपा कहते हैं तुम पे 3 बिलियन को उधार कैसे चुकाओगी? वो कहती है मैं खुद कमा के चुकाऊंगी। वो कहते हैं 3 बिलियन है 300 रुपीज नहीं। वैंगियो तुझे जावनियन से डाइवोर्स कर लेना चाहिए। वैंगियो कहता है ग्रैंडपा ये मेरी शादी है। जावनियन कहती है ओके अगर मैं 3 बिलियन नहीं कमा पाई तो वैंगियो को डाइवोर्स दे दूंगी, पर अगर 3 बिलियन कमा लिए आप मुझे और वैंगियो को डिस्टर्ब नहीं करोगे। वैंगियो उसे रोकने लगा था तो कहती है मैं पक्का जीतूंगी। वैंगियो को फ्रस्ट्रेटेड देख असिस्टेंट कहता है बॉस आपको क्या हो गया, क्या मैं कोई आपकी हेल्प करूं? वैंगियो कहता है तू मेरी हेल्प करेगा? मैंने सुना है तू इस एम्प्लॉय के साथ सेविंग नाम की कंपनी के बारे में बातें कर रहा था, इसमें जावनियन ने इन्वेस्ट कर दिया, उसने ग्रैंडपा के साथ शर्त लगा ली है कि अगर उसने 3 बिलियन नहीं कमाए तो वो मुझे डाइवोर्स दे देगी, अगर उसने मुझे डाइवोर्स दे दिया तो तू भी काम पे मत आना। असिस्टेंट कहता है बॉस मैंने थोड़ी ना बताया था मैडम को, उन्होंने तो सुन लिया था। वैंगियो कहता है मुझे नहीं पता तेरी वजह से सब हुआ है। इधर तैन जाकर सेविंग कंपनी की बॉस से सेविंग कंपनी खरीद लेती है पूरी। जावनियन कहती है तू ऐसे जानबूझ के कर रही है ना? तैन कहती है हाँ मुझे तुझे परेशान करके बहुत मजा आता है, अगर तुझे ये कंपनी चाहिए तो मुझसे खरीद ले। जावनियन सोचती है इस टाइम इसे बहस करने का टाइम नहीं है, फिलहाल 3 बिलियन ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कहती है बता ये कंपनी तू कितने में बेचेगी? तैन कहती है तूने अभी अभी उस स्टोन को बेच के 500 मिलियन कमाए थे ना, तो 500 मिलियन बेचते एक भी पैनी कम नहीं होनी चाहिए। जावनियन कहती है तू मुझे कंगाल करना चाहती है? तैन कहती है देख ले मेरे पास बहस करने का टाइम नहीं है, मनी देनी है तो आज ही दे दे, क्या पता मैं कल ना बेचना चाहूँ। और जाने लगी थी जावनियन कहती है ओके 500 मिलियन में मैं खरीदती हूँ तुझसे। असिस्टेंट कहता है मैडम आप ये क्या कर रही हो, सोचे तो सही जरा ये छोटी सी कंपनी इतने पैसे कहाँ से ला देगी? 3 बिलियन तो दूर की बात, आपके 500 मिलियन भी पूरे नहीं होंगे, और ग्रैंडपा की बात क्या आप भूल गए, आपके सच में बॉस को डाइवोर्स होगी? जावनियन कहती है मैंने सोच लिया है मैं ये कंपनी बाय करूंगी। तभी वैंगियो उसका हाथ पकड़ के ले जाता है तुम अपने सारे कमाए पैसों से ये कंपनी बाय करने वाली हो तो क्या वैंशी ग्रुप के एम्प्लॉयज को भूखा मारना चाहती हो? जावनियन कहती है मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है मैं कर लूंगी। वो कहता है अगर ये बात है तो ठीक है, अगर तुमने इस कंपनी से सच में 3 बिलियन कमा लिए तो मैं हमेशा तुम्हारे सुनूंगा, पर अगर तुम नहीं कमा पाई तो आगे से तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। कहती इतनी सी बात, मुझे लगा था तुम। वैंगियो उसका हाथ पकड़ कहता है मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है तुम्हें पैम्पर करने के अलावा, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट निकालो। तो तैन पेपर्स पे साइन कर देती है। फिर जावनियन कंपनी बाय करके चली जाती है। नेक्स्ट डे में जावनियन ने उस कंपनी से 3 बिलियन कमा लिए थे तो सब बहुत खुश होते हैं, और वो वैंगियो को हक करती है, पर पता चलता है कि वो तो सपना देख रही है, वैंगियो उसे देख रहा था और स्माइल कर रहा था। फिर नेक्स्ट डे से जावनियन कंपनी के काम में लग गई थी और बॉक्सेस में रॉ मटेरियल लेके आई थी, बट उसका बायर अभी तक नहीं आया था। और असिस्टेंट बात ही कर रहे थे तभी वहां से कोई निकलता तो दोनों डर जाते हैं, बट वो तो जावनियन की फ्रेंड निकलती है।
उसी ने अपने रिसर्च के लिए वो सारा सामान मंगाया था और ज़ाउनियन खुश होकर शादी कर लेती है। फिर जब वो वेंगयाओ को जूस देती है तो वो पूछता है तुम्हारा काम कैसे चल रहा है, तो कहती है एकदम बिंदास। काफी मेहनत के बाद ज़ाउनियन नर्वस होकर घूम रही थी, वो कहता है परेशान मत हो, तुम्हारे घूमने से कौन सा रिजल्ट ठीक आएगा, अगर 3 बिलियन से प्रॉफिट कम भी हुआ तब भी मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं दूंगा। असिस्टेंट भाग के आता है तो कहती है सेविंग ने कितने पैसे कमाए कि 3 बिलियन। असिस्टेंट मना कर रहा था तो कहती बता क्यों नहीं रहे हो, जल्दी फाइल देखती है 6 बिलियन, तो बहुत खुश होती है। वेंगयाओ भी बहुत खुश होता है। फिर कुछ गर्ल्स बातें कर रही थी कि आजकल सेविंग नाम की कंपनी बहुत टॉप पे चल रही है, तैन हमने सुना तूने भी कंपनी में इन्वेस्ट किया था। दूसरी कहती है नहीं इसने बाय की थी पर इसने बेच दी है, तुझे तो कोई भी फायदा नहीं हुआ, कितनी पागल है तू। तो तैन गुस्से में आकर उस लड़के से फाइट करने लगी थी कि ये सब उस ज़ाउनियन की वजह से हुआ है। इधर ज़ाउनियन वेंगयाओ और असिस्टेंट एम्प्लॉयज के साथ सेलिब्रेट कर रहे थे, ज़ाउनियन ड्रिंक करती हुई उसे किस कर देती है, तभी तैन आती है। ज्यादा खुश मत हो, तूने जब सेविंग कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था उसपे साफ साफ लिखा था कि अगर तुझे 1 बिलियन से ज्यादा प्रॉफिट होगा तो तुझे वो आधा प्रॉफिट मुझे देना होगा। ज़ाउनियन कहती है पागल हो गई है, मैंने तुझसे पूरी कंपनी खरीद ली थी 500 मिलियन में, तो अब तुझे प्रॉफिट क्यों मिलेगा, सारी मेहनत हमने की है। तैन का लॉयर कहता है ये देखो कॉन्ट्रैक्ट, सारा प्रॉफिट तुझे तैन को देना होगा वरना तुझ पे केस कर देंगे। पर असिस्टेंट वो कॉन्ट्रैक्ट लेके फाड़ देता है, कहती कर क्या रहा है तू। असिस्टेंट कहता है सॉरी मिस तैन, पर आपने जो इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया था वो आपका वाला नहीं, हमारा वाला कॉन्ट्रैक्ट, इनफैक्ट असिस्टेंट ने साइन से पहले वो चेंज कर दिया था। तैन का लॉयर कहता है इसके अकॉर्डिंग तो कंपनी पूरी तरह से ज़ाउनियन की हो जाएगी और उसके प्रॉफिट से आपका कोई लेना देना नहीं है। तो तैन गुस्से में उसके थप्पड़ मार देती है। ज़ाउनियन के इशारा करने पे एम्प्लॉयज उसे बाहर निकाल देते हैं। तैन पर कहते हैं तूने 3 मिलियन का उधार चुका के कोई बड़ा काम नहीं कर दिया, जब मैंने कंपनी स्टार्ट करी थी तो उससे भी ज्यादा प्रॉफिट कमाया था, अब तो मैं आगे फ्यूचर की सोचनी चाहिए। वेंग ग्रुप इस मंथ के लास्ट में वायरस चुनेगा, तो मैं चाहता हूँ मिस्टर वेंगयाओ तू जाकर चैंग रोड की लैंड खरीद ले, अगर तूने सक्सेसफुली उस लैंड को खरीद लिया तो मैं पक्का तुझे वेंग ग्रुप का वारिस बनाऊंगा। वेंगयाओ हाँ करने वाला था पर ज़ाउनियन उसे मना कर देती है। इनफैक्ट पास्ट में ज़ाउनियन के ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगा दी है, वो पूछती क्या हुआ तो ड्राइवर बताता है कि ट्रैफिक जाम है, चैंग रोड के लैंड में एशियन टॉम निकला इसकी वजह से वहाँ पर कोई बिल्डिंग नहीं बन सकती, पक्का रियल स्टेट ग्रुप वालों को बहुत नुकसान हुआ होगा। ज़ाउनियन कहती है मेरा भरोसा रखो उस लैंड को बिल्कुल मत खरीदना। टेंपा कहते हैं मुझे तो उससे ज्यादा समझ है, चैंग रोड की लैंड अरे रियल स्टेट की बिल्डिंग के लिए प्राइम लोकेशन है, जबकि हमारी कॉम्पिटिटर कंपनी तो उसे लेने के लिए हमसे फाइट कर रही है। यो कहता है ज़ाउनियन तुम उस लैंड को लेने के लिए मना क्यों कर रही हो। सोचती है अब इसे मैं क्या बताऊं कि मैं पास्ट लाइफ की बात बता रही हूं, मैं रिबॉर्न हुई हूं, इसे लगेगा मैं पागल हूं। वेंगयाओ कहता है रियल स्टेट के बारे में ग्रैंडपा को बहुत नॉलेज है तो ग्रैंडपा की बात मान लेते हैं। ज़ाउनियन कहती है तुमने हमेशा मेरा विश्वास किया है बस इस बार और कर लो। वेंगयाओ कहता है ग्रैंडपा सॉरी मैं इस लैंड वाले प्रोजेक्ट को नहीं ले सकता। ग्रैंडपा गुस्सा करते हैं तो तू वेंग ग्रुप का वारिस भी नहीं बन सकता, निकले ना बाद में बहुत पछताएगा, तुझे क्या लगता है वेंग ग्रुप के वारिस की पोजीशन के लिए सिर्फ तू ही है, निकलो दोनों यहाँ से, और उन दोनों को बाहर निकाल देते हैं। ज़ाउनियन कहती है सॉरी, वो कहता है कोई बात नहीं मुझे तुम पे भरोसा है, तो कहती है थैंक यू मुझ पे भरोसा रखने के लिए, कहता है मैंने कहा था ना कि मैं हमेशा तुम्हारी बात मानूंगा। ज़ाउनियन कहती है मुझे तो लगा था मजाक कर रहे हो तुम तो सच में। वेंगयाओ कहता है मैं जो भी बोलता हूँ सच बोलता हूँ। असिस्टेंट उन दोनों के रोमांटिक मोमेंट को डिस्टर्ब करने आ जाता है तो वेंगयाओ उसे भगा देता है। तभी वहाँ वेंगयाओ का सेकंड कजन जियान आता है, तूने एक लड़की के लिए वारिस की पोजीशन छोड़ दी और फिर उसके साथ तैन भी होती है। ज़ाउनियन कहती है लगता है इसने ऐसे भी पटा लिया, वैसे दोनों कचरों का साथ में अच्छा मैच है। तैन कहती है वेंगयाओ अब तुम वेंग ग्रुप के वारिस नहीं रहे, तुम मेरे बॉयफ्रेंड जियान से तमीज से बात करो। यही बात ज़ाउनियन तेरी, मैं भी देखती हूँ फ्यूचर में तुम उससे फाइट कैसे करेगी। वेंगयाओ कहता है ज़ाउनियन तुम्हारी तरह नहीं है, दूसरे लड़कों पे रिलाई करे, वो खुद पे भरोसा रखती है। तैन हंसने लगी थी। जियान कहता है जब मैं वेंग ग्रुप का वारिस बनूंगा ना तो तुझे क्या लगता है मैं ज़ाउनियन की कंपनी को बख्श दूंगा। ज़ाउनियन कहती है लगता है तुम दोनों को ज्यादा अकड़ में हो, क्यों ना एक शर्त लगा ली जाए। कहती है ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। ज़ाउनियन कहती है क्या हुआ डर गई, मैं शर्त लगाती हूँ अगर वेंग ग्रुप ने चैंग रोड की लैंड को ले लिया तो उसे कम से कम 10 बिलियन का लॉस होगा, अगर ये बात सच नहीं निकली तो मैं अपने वेंशी ग्रुप के शेयर्स तुझे दे दूंगी, पर अगर बात सच निकली और तुम लोग हार गए तो जियान वेंग ग्रुप की वारिस की पोजीशन को छोड़ देगा। तैन तूने जो हमारी वेंशी ग्रुप का नुकसान किया है वो सारी भरपाई करेगी। डरती कहती है नहीं मुझे शर्त नहीं लगानी कोई। जियान कहता है इसमें हमारा फायदा, तो शर्त क्यों नहीं लगा रही है। वेंगयाओ कहता है क्योंकि हर बार ज़ाउनियन से शर्त हारी है। जियान कहता है ज्यादा प्राउड फील मत कर, ये शर्त नहीं लगा रही तो मैं लगाता हूँ। ज़ाउनियन कहती है ओके तुम लोग मुकर ना जाओ इसलिए एग्रीमेंट साइन करवा लेते हैं पहले। फिर ज़ाउनियन वेंगयाओ से कहती है मैं जब जियान के साथ शर्त लगा रही थी तुमने मुझे रोका नहीं। वेंगयाओ कहता है क्योंकि तुम स्टूपिड नहीं हो, अगर तुम शर्त में वेंशी ग्रुप के शेयर्स दांव पे लगा सकती हो तो इसका मतलब तुम काफी कॉन्फिडेंट हो।
जावनियन कहती है थैंक यू, अगर इस लाइफ में तुम मेरा साथ न देते तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँचती। एंगयो कहता है ऐसी बात नहीं बनेगी, कम से कम प्रैक्टिकल थैंक यू तो दो, और उसे किस करने लगा था। फिर ग्रैंडपा उन दोनों को बताते हैं कि तुम दोनों हार गए हो, जियान ने चैंग रोड की लैंड को बाय कर लिया है, अब हमारी फैंग ग्रुप को फायदा ही फायदा होगा। जावनियन कहती है इस बात का क्या भरोसा कि आगे जाकर कोई गड़बड़ नहीं होगी। ग्रैंडपा कहते हैं तुम लोगों की हिम्मत कैसे शर्त लगाने की, वे लोग पक्का जीतेंगे। वेंगयो कहता है ग्रैंडपा अगर आपको इतना यकीन है तो शर्त वाले एग्रीमेंट पे साइन करने में क्या प्रॉब्लम है। ग्रैंडपा कहते हैं ओके तो जियान साइन कर दे। वेंगयो जावनियन का हाथ पकड़ के कहता है भरोसा रखो मुझे तुम पे विश्वास है। फिर वेंगयो उसे कहता है तुम्हें कैसे पता है कि चैंग रोड की लैंड में कोई प्रॉब्लम होगी। जावनियन कहती है अगर मैं बताऊंगी भी तब भी तुम विश्वास नहीं करोगे। कहता बताओ तो सही मुझे तुम पे भरोसा है। जावनियन कहती है तुम पहले से काफी बदल गए हो। वो कहता क्या मतलब, तो कहती है तुम पहले से ज्यादा बोलने लगे हो और हंसने लगे हो। कहता सच में तुम्हें पसंद है, तो कहती है और नहीं तो क्या मुझे तुम पूरे पसंद हो। वो कहता है मेरे क्वेश्चन का आंसर दो पहले, तो कहती है मैं फ्यूचर से रिबॉर्न हुई हूँ इसलिए मुझे अपनी पास्ट लाइफ की मेमोरीज हैं, और मुझे याद है कि उस लैंड पर एक एशियन टॉम होगा। टेंगयो कहता अगर ये बात हुई तो वैंग ग्रुप के 10 बिलियन वेस्ट जाएंगे। जावनियन कहती परेशान मत हो, हम दोनों ने मिलकर जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है उससे हमें डबल प्रॉफिट होगा, हम वैंग ग्रुप की भरपाई पूरी कर देंगे। ग्रैंडपा जा रहे थे तो रिपोर्टर्स उन्हें घेर लेते हैं, आपने चैंग रोड की लैंड को बाय कर लिया है, वैसे वैंग ग्रुप का वारिस वेंगयो यहाँ पे क्यों नहीं है। तो ग्रैंडपा कहते हैं वैंग ग्रुप का वारिस वेंगयो नहीं है, जियान वैंग ग्रुप का वारिस बनेगा। रिपोर्टर पूछते हैं पर वैन फैमिली की तैना आपके साथ क्या कर रही है। वैन कहती है मैं वैंशी ग्रुप की तरफ से वैंग ग्रुप के साथ कोऑपरेट करूंगी ना, कुछ ही दिनों में मैं वैंशी ग्रुप में वापस जाने वाली हूँ। वेंगयो कहता है तुम्हारे सिस्टर को पूरा विश्वास है कि वैंशी ग्रुप उसे मिलेगा। जावनियन कहती है उसका अभ्रम जल्दी टूटने वाला है। तभी वेंगयो को कॉल आता है तो कहता है वैंग फैमिली घर बुला रही हैं, वो जियान को ऑफिशियली वैंग ग्रुप का वारिस अपॉइंट करने वाले हैं। वो दोनों वैंग फैमिली में जाते हैं। वैन कहती है तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, क्या तू सच में वैंशी ग्रुप के शेयर्स मुझ पे गिव अप करने वाली है। सावनन कहती बकवास बंद कर, मैं यहाँ वैंग फैमिली की डॉटर इन लॉ बन के आई हूँ। ग्रैंडपा कहते हैं तू हमारी फैमिली से नहीं है। वेंगयो कहता है ग्रैंडपा आप क्या बोल रहे हो, अब आप हमें डाइवोर्स के लिए फोर्स नहीं कर सकते। ग्रैंडपा कहते हैं वेंगयो तू अपनी वाइफ सावनन को लेके वैंग फैमिली से निकल जा। वेंगयो कहता है वैंग फैमिली प्रॉब्लम में होगी तो मैं वापस आ जाऊंगा। जियांग कहता है तुम्हारी वैंग फैमिली को बद्दुआ दे रहा है, देख लेना चैंग रोड की लैंड से हमें कितना प्रॉफिट होगा। जावनियन सोचती है अभी तक न्यूज क्यों नहीं आई है, तभी न्यूज आ जाती है। तैन कहती है अपना टाइम वेस्ट मत कर जल्दी से वैंशी ग्रुप के शेयर्स मुझे दे दे। जावनियन कहती है न्यूज आ गई है, चैंग रोड की लैंड पर एशियन टॉम निकला तो वहाँ बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती। ग्रैंडपा हैरान ये कैसे हो सकता है, सब लोगों के होश उड़ गए थे, ग्रैंडपा तो रोने लगे थे मैं बर्बाद हो गया और वैंग ग्रुप के शेयर प्राइस भी नीचे गिरने लगा था, वैंग ग्रुप बैंकक्रप्ट होने वाला है। वेंगयो कहता है ग्रैंडपा परेशान मत हो, और जावनियन ने पहले से अरेंजमेंट कर रखी है, उन दोनों ने जिन कंपनीज में इन्वेस्ट कर रखा था उसके शेयर्स काफी हाई जा रहे थे। जावनियन कहती है वैंग ग्रुप के 70% शेयर्स तो तुम्हारी हैं। वो कहते हैं मेरे नहीं हम दोनों के। फिर ग्रैंडपा आकर जियान को मारते हैं, क्या वैंग ग्रुप का वारिस वेंगयो है तो तुझे उसकी बात माननी होगी, और उसे मार के चले जाते हैं। तो तैन कहती है ग्रैंडपा को तो तेरी फिक्र है ही नहीं है, तू तो कंगाल हो गया है। तो जियान तैन को मारने लगा था तभी वहाँ पर जावनियन आके हेलमेट फेंकती है, अगर ग्रैंडपा ने बोलते तो मैं तुम दोनों को इस कंस्ट्रक्शन साइट पे भी काम न करने देती, बट अब लगे रहो यहाँ पे काम पे। टैन रोती हुई डैड के पास जाती है, जावनियन ने मुझे बुली किया वो आपको भी सीरियस नहीं लेती। डैड जावनियन को कॉल करते हैं कि अभी के अभी यहाँ पहुँच। जावनियन डीएनए रिपोर्ट देख रही थी, ये टैन तो सच में वैन फैमिली की बेटी नहीं है। अगर डैड को डीएनए टेस्ट रिपोर्ट दिखाती है, डैड हैरान और स्टेपमॉम से कहते हैं तू किसी बाहर वाले के बच्चे से प्रेग्नेंट थी और इस टैन को जबरदस्ती मेरी बेटी बना दिया। दोनों के दोनों निकले यहाँ से। स्टेपमॉम कहती है जावनियन ने इस डीएनए रिपोर्ट में गड़बड़ की होगी। जावनियन कहती है अगर भरोसा नहीं है तो दोबारा चेकअप करा लो। डैड स्टेपमॉम का गला घोटने लगे थे, टैन रोकती है तो उसे धक्का मार देते हैं। टैन को रोते देख जावनियन कहती है तू कितनी भी कोशिश कर ले जो तेरा नहीं है वो तेरा नहीं हो सकता, चाहे वैन फैमिली हो या वैंग फैमिली तुम उससे फाइट करने के लिए क्वालिफाई नहीं है। फिर टैन जावनियन के रूम में चेकिंग कर रही थी कि जरूर उसे ग्रैंडपा की विल मिल जाएगी, बट उसे एक पेंडेंट मिलता है, अंकल उसे फाइल देता है तो कहती है अच्छा तो ये पेंडेंट बचपन में वेंगयो ने जावनियन को दिया था उसकी जान बचाने के लिए, अगर मैं बचपन वाली जावनियन बनने का नाटक करूंगी तो वेंगयो उसे रिजेक्ट करके मेरे पास आ जाएगा। वेंगयो कहता है तुम मेरे घर पे क्या कर रही हो, उसे फ्रूट काट के देती है और उसके क्लोज ही बैठ गई थी, अपने पास बॉडीगार्ड क्यों नहीं रखते, बचपन वाले इंसिडेंट की बात से मैं सेफ फील नहीं होता होगा, बचपन में तो मैंने तुम्हें बचा लिया था अब हम फ्यूचर में मिले हैं। वेंगयो उसे मैंगो खिलाता है और कहता है मेरी बचपन वाली फ्रेंड को मैंगो से एलर्जी थी तो तू वो नहीं है, और पेंडेंट छीन लेता है ये तेरा नहीं है, और सोचता है ये पेंडेंट इस टैन के पास कैसे आया, कहीं ये जावनियन का तो नहीं। अंकल टैन भी चिल्ला रहे थे तो खुद तो बर्बाद हुई है मुझे भी कर दिया है, उस जावनियन ने मेरे भी सारे शेयर्स मुझसे बाय कर लिए,
तेरा मुझसे कोई लेने देने नहीं है, और उसे धक्का मार के चले जाते हैं। टैन कहती है, मुझे तो ज़ाउनियन को जॉन से मार देना चाहिए था, मैंने कुछ ज्यादा तरस खा लिया उस पे। और एक गुंडे से मिलने जाती है, इसे निपटाना है। इधर वेगिया और ज़ाउनियन का वेट कर रहा था, इतनी रात हो गई वो अभी तक आई नहीं। वो आती तो उसे हक कर लेता है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, इसे जल्दी घर आ जाया करो। बट वो गुंडा उन्हें छुप के देख रहा था, जबकि वो दोनों घर के अंदर से बैठे सीसीटीवी में उस गुंडे को देख रहे थे। वेगिया कहता है, प्रॉमिस करो कि तुम बाहर नहीं जाओगी। वो कहती है, मुझे पक्का भरोसा है तैन ने बिछवाया होगा इसे, हमें जल्दी कुछ स्टेप लेना होगा। तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर तैन ज़ाउनियन को कॉल करके मिलने बुलाती है, आज रात यहाँ पहुँच जाना। ज़ाउनियन भी हाँ कर देती है। इनफैक्ट उसने और वेगिया ने मिलकर प्लान बनाया था। तो तैन अपना प्लान सोचने लगी थी कि जब ज़ाउनियन बाहर आएगी तो गुंडा उसे मार के बेहोश कर देगा और तैन उसे अपनी गाड़ी से ठोक देगी। सही होता है, तैन उसे अपनी गाड़ी से ठोक देती है। खुश होकर आके देखती है, ये तो गुंडा निकला। तभी वेगिया के बॉडीगार्ड आकर उसे पकड़ लेते हैं। तैन कहती है, तू अभी तक मरी नहीं? ज़ाउनियन कहती है, मैं इतनी स्टूपिड थोड़ी ना हूँ कि तेरे बुलाने पर बाहर आ जाऊंगी। अब तूने किसी को जान से मारा है तो अब काटना अपनी पूरी लाइफ जेल में। मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है, तू किसी भी तरीके से नहीं बच सकती। वेगिया ज़ाउनियन का हाथ पकड़ता है और सहलाता है। किसी को जान से मारने के लिए तैन को लाइफ टाइम के लिए प्रिजन हो गया था। डैड की हार्ट अटैक से डेथ हो गई। ट्रैपनोम ज़ाउनियन के घर के बाहर माफी मांग रही थी कि प्लीज मेरी बेटी को बचा ले, पर वेगिया के कहता है, यहाँ मत आना, अगर जाना है तो पुलिस स्टेशन जाओ। गेट बंद कर जाता है। फिर वो ज़ाउनियन से कहता है, क्या तुम्हें बचपन का याद है? मैंने एक बच्चे की हेल्प की थी, उसने तुम्हें पेंडेंट दिया था। कहती है, काफी बचपन का था, मुझे सही से याद नहीं है। वो पिलो के नीचे से कुछ निकालने लगा था। तो कहती है, क्या कर रहे हो? मुझे अभी काम पे भी जाना है। वेगिया कहता है, ये पेंडेंट तुम्हारा है ना? मुझे तैन से मिला। वो कहती है, अच्छा। तो कहता है, तुम क्या सोच रही थी? शर्माने लग जाती है, मैं बताने वाला था कि बचपन में। तभी ज़ाउनियन को हॉस्पिटल से कॉल आता है कि तुम्हारी मॉम उठ गई। दोनों भागते हैं। ज़ाउनियन की मॉम ठीक हो गई थी तो उसे खुशी के आंसू आ रहे थे। या वो बेस्ट डॉक्टर से कहता है, मेडिसिन की रिसर्च कर रही हो ना, मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा। बेस्टी खुश होती है, फ्रेंड का हस्बैंड जब बॉस हो तो मजा ही आ जाता है। ज़ाउनियन अपनी मॉम को फोन चलाना सिखा रही थी। वो आकर कहता है, मॉम मैंने आपका सामान रूम में रख दिया है। ज़ाउनियन कहती है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मॉम हमारे साथ रहेंगी? कहता है, नहीं तो, तुम्हारी मॉम है तो मेरी भी मॉम है, पर मुझे रिवॉर्ड चाहिए। और दोनों किस करने लगे थे, अभी मामा चाहती हैं। हमारा गेट तो फिंगरप्रिंट पे खुल जाता है। वो गुस्से में लग रहा था। ज़ाउनियन कहती है, मॉम के सोने तक का वेट करो, चलो मैं कल को गेट का पासवर्ड चेंज कर दूंगी। तो वो स्माइल करने लगा था। फिर वो नहा कर आती है तो वेगिया जाकर उसे गोद में उठा लेता है। वो कहती है, इस बार तुम नहीं बच सकते। असिस्टेंट कहता है, मैडम आपके लिए मैंगो लेके आया हूँ। कहती है, मुझे मैंगो से एलर्जी है। वेगिया को याद आता है, बचपन में उस लड़की ने भी ऐसा कहा था। तो उसे अपना पैंट देके बताता है कि बचपन में जिस लड़की को तुमने बचाया था वो मैं था। तो ज़ाउनियन अपने वाले से मैच करते हुए स्माइल करने लगी थी, अच्छा वो तुम थे। सोचती है, हम दोनों की शुरू से डेस्टिनी कनेक्टेड थी। वेगिया उसे सोफे पर गिरा लेता है, आई लव यू, और वो भी उसे आई लव यू बोलती है। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।